हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम फिलिप सिडनी की फेमस सोनेट लविंग इन ट्रुथ को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। तो फिलिप सिडनी का एक फेमस कलेक्शन है एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, जिसमें उन्होंने 108 सोनेट्स लिखे और ये पब्लिश हुई थी 1591 में। और इस कलेक्शन में जो पहली सोनेट है उसका नाम है लविंग इन ट्रुथ। तो सिडनी जो है वो एस्ट्रोफिल वर्ड अपने आप के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एस्ट्रोफिल का मतलब होता है एक स्टार लवर, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो स्टार्स पसंद करता है, और स्टेला एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टार। तो ये जो सोनेट है लविंग इन ट्रुथ, ये एक सोनेटियर का एक्सप्रेशन है अनरिक्विटेड लव के बारे में, यानी कैसे वो किसी से बहुत प्यार करते हैं लेकिन जो सामने वाली लड़की है वो उनके प्यार को लौटाती नहीं है, वो रेसिप्रोकेट नहीं करती है। तो ये जो सोनेट है वो काफ़ी हद तक ऑटोबायोग्राफिकल है, यानी फिलिप सिडनी ने अपनी ही लाइफ के बारे में इस सोनेट में लिखा है। हियर द पोएट एक्सप्रेसेस हिज पैशन ऑफ लव फॉर हिज बिलव्ड पेनेलोप डेवरेक्स। तो जो फिलिप सिडनी थे वो पेनेलोप नाम की एक लड़की को पसंद किया करते थे, और उस लड़की के बारे में, उसके लव के बारे में ही उन्होंने इस पोएम में लिखा है कि कैसे वो उसे बहुत पसंद करते थे लेकिन लड़की जो है वो रेसिप्रोकेट नहीं कर रही होती। बट दैट लव इज़ अनरेसिप्रोकेटेड, यानी वो जो लेडी है वो उस लव को लौटा नहीं रही होती। ही वॉन्ट्स टू यूज हिज वर्ड्स एज एन एक्सप्रेशन ऑफ हिज लव, और इसीलिए जो फिलिप सिडनी है वो अपने वर्ड्स यानी अपनी पोएम, अपनी सोनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो अपने लव को एक्सप्रेस कर सकें और उस लड़की को बता सकें कि वो उसे कितना ज़्यादा पसंद करते हैं। द पोएट थिंक्स दैट हिज एफर्ट्स माई पेन टू विन सम फेवर ऑफ हिज लव बिलव्ड माइट गिव हर प्लेजर। तो पोएट ये सोचते हैं कि अगर मैं इतने एफर्ट्स लूँगा, इतना दर्द उठाऊँगा, यानी इस पोएम को लिखने में एफर्ट्स लूँगा, तो क्या पता वो जो बिलव्ड है यानी वो लड़की जो पेनेलोप है जिससे वो प्यार करते हैं, क्या पता वो जो लड़की है वो समझ जाए इस बात को। ही ऑल्सो होप्स दैट शी माइट वॉन्ट टू रीड हिज वर्स, वो ये भी सोचते हैं कि क्या पता उस लड़की को उनकी पोएम पढ़ने में इंटरेस्ट हो। आउट ऑफ द प्लेजर शी टेक्स इन हिज पेन, क्योंकि उस लड़की को तो उन्हें दर्द देने में बड़ा मज़ा आता है, तो जब वो बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लेकर पेन लेकर इस पोएम को लिखेंगे तो क्या पता वो लड़की उस पोएम को पढ़े। तो इस तरीके से वो इस पोएम को लिखना चाहते हैं ताकि वो जो लड़की है उसे उस पोएट के पेन के बारे में पता चले कि कैसे वो उस पोएम को लिख रहे हैं और कैसे वो बहुत दर्द में हैं, क्योंकि वो उस लड़की के लव को हासिल नहीं कर पा रहे इसलिए वो बहुत ज़्यादा दर्द में हैं और इसलिए इस पोएम को लिख रहे हैं, ताकि वो जो लड़की है वो समझ सके इन बातों को। इट वुड मेक हर हार्ट सॉफ्ट, और फिर उस लड़की का जो हार्ट है वो सॉफ्ट हो जाएगा और शायद वो पोएट के लिए सिंपथी दिखाएगी। और इस तरीके से जो पोएट हैं वो उस लड़की के मन को, उसके हार्ट को जीतना चाहते हैं, बट ही डज नॉट फाइंड प्रॉपर वर्ड्स, लेकिन उनके पास कोई भी प्रॉपर वर्ड्स नहीं है, पोएटिक एक्सप्रेशन नहीं है लिखने के लिए, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे उनका जो दिमाग है वो सुन्न पड़ गया है, बैरन हो गया है, खाली हो गया है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा पैशनेटली उस लड़की को पसंद करते हैं कि उनके दिमाग में शब्द भी नहीं आ रहे, एग्जैक्ट एक्सप्रेशंस भी नहीं आ रहे, और इसीलिए वो उन शब्दों को, पोएटिक इंस्पिरेशन को दूसरे राइटर्स से बोरो करना चाहते हैं, यानी दूसरे राइटर्स के वर्ड्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद दूसरों की राइटिंग से उन्हें मदद मिलेगी, और अगर उन्हें वो महत्वपूर्ण शब्द दूसरों की राइटिंग में मिल जाएंगे तो ये बिल्कुल ऐसा होगा जैसे कि उनके बैरन यानी खाली पड़े दिमाग में किसी ने शावर्स कर दी हों, बारिश कर दी हों और फूल और फल उग गए हों, उन्हें ऐसा लग रहा है। सो ही स्टडीज मैनी बुक्स, इसीलिए वो बहुत सारी किताबें भी पढ़ते हैं बहुत सारे पोएट्स की, ताकि वो सही शब्द निकाल सकें जिससे वो पोएम को लिखें और वो लड़की कन्विंस हो जाए, लेकिन उन्हें इस तरह के कोई शब्द मिलते ही नहीं, क्योंकि पोएट्री जो है वो एक स्पॉन्टेनिटी की आर्ट है, यानी पोएट्री जो है वो मन से अचानक ही बाहर निकलते हैं उसके शब्द, हम किसी और के शब्द नहीं चुरा सकते, तो किसी और को कॉपी करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए पोएट के एफर्ट्स फेल हो जाते हैं। द पोएट शोज दैट हिज पोएटिक वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन डू नॉट कम कंटिन्यूसली, तो पोएट जो है वो दिखाते हैं कि कैसे उनके जो शब्द हैं वो कंटिन्यूसली बाहर नहीं आ रहे, दे आर हाल्टिंग, यानी वो रुक रुक कर बाहर आते हैं, इसीलिए क्योंकि पोएटिक इंस्पिरेशन एक नेचुरल प्रोडक्ट है, अंदर से ही ये चीज़ बाहर आती है, जो
पोइट्री की जो इंस्पिरेशन है वो अंदर से आती है, वो स्टडी से नहीं आती। और इसीलिए पोएट कहते हैं कि पोइट्री जो है वो नेचर्स चाइल्ड, यानी कि वो प्रकृति की देन है, प्रकृति की एक बच्ची है पोइट्री, और जिसे स्टडी से समझा नहीं जा सकता, क्योंकि स्टडी तो पोइट्री की एक स्टेप मदर है, एक सौतेली माँ की तरह है। इवन द वर्ड्स विच आर सूटेबल फॉर अदर सीम स्ट्रेंज टू द पोएट, और इसीलिए दूसरों के शब्द पोएट को अजीब लगते हैं, इसीलिए क्योंकि वो पोएट के लिए ओरिजिनल नहीं है, वो किसी और की कॉपी है। और जो पोएट का पेन है वो उन्हें एक ट्रुआंट की तरह लगता है। ट्रुआंट का मतलब होता है एक ऐसा लड़का, स्कूल जाने वाला बच्चा जो पढ़ाई नहीं करना चाहता और स्कूल छोड़कर भाग जाता है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनका पेन भी भाग रहा हो और उनके अंदर वो पोएटिक इंस्पिरेशन ही नहीं होती कि अपने पेन से वो कुछ लिखें, तो इसीलिए वो होपलेस होकर पेन को चबाने लगते हैं और अपने आप को मारने पीटने लगते हैं गुस्से में। और तब ये जो म्यूज है यानी इंस्पिरेशन की देवी, वो वहाँ आती है और कहती है कि तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ़ हो और तुम्हें अपने मन से लिखनी चाहिए पोएट्री, जो भी शब्द तुम्हारे मन में आएंगे ओरिजिनल पोएट्री लिखनी चाहिए, किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। ओनली देन इट वुड बी जेन्युइन एंड ओरिजिनल, फिर ही वो पोएट्री ओरिजिनल और जेन्युइन होगी। और इस तरीके से फिर पोएट रियलाइज करते हैं कि जो ट्रू पोएट्री है वो तो अपनी खुद की अंदर की फीलिंग्स से ही बाहर आ सकती है। हियर द पोएट हाईलाइट्स द पावर ऑफ इमोशन एज द सोर्स ऑफ पोएट्री, तो पोएट जो है वो बता रहे हैं कि पोएट्री जो है वो हमेशा इमोशन यानी मन से ही बाहर आ सकती है। सो यहीं पर जो पोएट्री है वो खत्म हो जाती है। आई होप आपको इसकी समरी अच्छे से समझ में आई होगी। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।